नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त उदय शुक्ला, आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल उज्जवल कॉमर्स विस्टा पे। आज आप फिर सोच रहे होंगे कि फिर मैं किसी पैटर्न या लेक्चर वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। आज मैं एक सोशल थॉट के ऊपर आया हूं। एक्चुअली आप सोचते हैं फिर ये जो है वापस मोटिवेशन एजुकेशन पे होती है, नहीं। एक क्वेश्चन है जो कि स्टूडेंट्स के दिमाग में या एस्पायरिंग स्टूडेंट्स के दिमाग में है कि हमारे पास बहुत सारी फील्ड्स हैं पढ़ने के लिए, परस्यू करने के लिए, कैरियर बनाने के लिए। तो लोग कहते हैं, इनफैक्ट प्लस के बाद एक स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होता है कि उसे क्या करना चाहिए, किस फील्ड में जाना चाहिए, जहां पे उसको कहते हैं ना परस्यू करते ही उसे जॉब का अगर माइंड है जॉब मिल जाए, बिजनेस करना चाहता है तो बिजनेस करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो मैं ये नहीं कहता कि आप किसी भी एक फील्ड पर फोकस करो, आपका मेन टारगेट है क्या, पैसा कमाना ना। मीन्स कि बच्चा जब आता है, बड़ा होता है, तो उसको एक ही चीज के लिए ब्रिंग अप किया जाता है, यानी उसको पाला जाता है कि वो आगे जाकर के अपना खुद का कुछ करे, कमाना शुरू करे, अपने कहते हैं सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए। तो सेल्फ डिपेंडेंसी जो है वो बहुत तरीकों से होती है। मैं बताता हूँ सेल्फ डिपेंडेंसी किन किन तरीकों से हो सकती है। पहला, जॉब करके, क्योंकि आधे ज्यादा लोग हम लोग करते हैं, ठीक है। सेकेंड, बिजनेस करके, लेकिन बिजनेस एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट मांगता है, जो कि सबके पास की बात नहीं होती, ठीक। वैसे ऐसा नहीं है कि लाखों करोड़ों इन्वेस्ट करने के बाद ही बिजनेस किया जा सकता है। बिजनेस हजार रुपए के इन्वेस्टमेंट से भी शुरू किया जा सकता है। यानी बिजनेस एक ऐसी फील्ड है जो कि हजार, 10,000, 1,00,000 और जितनी आपकी कैपेसिटी है आप उससे शुरू कर सकते हो, ठीक। तो मेन हमारा पर्पज होता है मनी अर्निंग, ठीक है। अब कल जब मैं कुछ स्टूडेंट से मिला, उनसे बात की और मैंने उनसे पूछा दैट व्हाट आफ्टर 10th, तो दे वर कंफ्यूज्ड। इनफैक्ट सम ऑफ देम वर वेरी श्योर, वेरी डिटरमाइंड दैट वी वांट टू स्टडी दिस, वी वांट टू स्टडी दैट। तो उनमें से एक जो पूरा ग्रुप खड़ा था, उनमें से 3-4 स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा, सर आप क्या करते हो। मैंने कहा भाई मैं तो कॉमर्स का टीचर हूँ और कॉमर्स के क्लासेस लेता हूँ, पढ़ाता हूँ, MBA BBA को डील करता हूँ। कहे सर और कुछ करते हो आप उसके अलावा। हाँ भाई मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं उस पर लोगों को एजुकेट करता हूँ, अपनी वीडियो से लोगों को सिखाता हूँ कॉमर्स के बारे में। तो उनमें से एक ने क्वेश्चन मुझे लगा कि सर आपने कॉमर्स ही क्यों लिया, या हम कॉमर्स क्यों लें। हमने कहा भाई भाई क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि व्हाई परस्यू कॉमर्स, क्यों कॉमर्स को परस्यू किया जाए जबकि हमारे पास BTech है और BSc है और पता नहीं कितनी कितनी फील्ड है, सब है, हम कॉमर्स को ही क्यों परस्यू करें। तो मैंने कहा भाई क्वेश्चन तुम्हारा बहुत अच्छा है, और मैंने उसको तुरंत वही आंसर नहीं दिया। मैंने कहा भाई मुझे एक दिन का सोचने का टाइम दो, फिर मैं आप सबको कॉमर्स को क्यों परसू करना चाहिए वो बताता हूँ। तो आज मैं उसी पर रिलेटेड एक वीडियो लाया हूँ या ये वीडियो शुरू कर रहा हूँ, ताकि आप में से जितने भी एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं जो कि आगे 12th के बाद कंफ्यूज हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, या जो श्योर भी हैं कि उन्हें उसी फील्ड में क्यों जाना चाहिए, मैं उसको बताता हूँ। और जो कॉमर्स में आना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज है कि आए कि ना आए, तो मैं उनका ये डाउट भी आज क्लियर कर देना चाहता हूँ और क्लियर कर भी दूंगा। तो सबसे पहले चीज बात करते हैं व्हाई परस्यू कॉमर्स, ठीक है। देखिए सीधी सा बात, आप चाहे साइंस फील्ड के हो, आर्ट्स फील्ड के हो, मैथ फील्ड के हो, या किसी भी फील्ड के हो, ठीक है। हमारा मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है, भाई बच्चा बड़ा होता है उसको धीरे धीरे पालते हैं, उसकी शैतानियां देखी जाती है, उसको पढ़ाया जाता है, कॉलेज जाता है, कॉलेज के बाद फिर वो मास्टर्स करता है, सब कुछ करता है, और फिर अल्टीमेटली किस चीज के पीछे भागना शुरू करता है, एक ही चीज के पीछे। अब वो क्या है, मनी, जिसे हम विटामिन एम भी कहते हैं। खैर ये तो थोड़ा मजाक के सच में हो गया, लेकिन हाँ मेन है कि हम सबके सब एक ही चीज के पीछे भाग रहे हैं, वो है मनी, चाहे वो जॉब करके मिले या बिजनेस करके मिले। एनी हाउ वी वॉन्ट मनी, वी वॉन्ट अर्निंग। हाँ मनी नहीं, अर्निंग कह सकता हूं, मनी तो भाई आपके पास ऑलरेडी रहता है, लेकिन हमारा मेन एम होता है अर्निंग करना, कि पढ़ने के बाद हमें घर ना बैठना पड़े, ठीक। कोई नहीं चाहेगा यार कि एजुकेशन करने के बाद आप जो है घर बैठे, कोई नहीं चाहेगा। इनफैक्ट अभी आपके सामने एक डायग्राम बना हुआ, उस डायग्राम से आपको समझाऊंगा कि क्यों कॉमर्स जरूरी है। अब देखिए आपके सामने मैंने एक डायग्राम रखा है जिसको मैंने कॉमर्स इस वजह से वर्ड चूज किया, मैं कॉमर्स से नहीं हट रहा हूं,
कॉमर्स अपने में बहुत वाइड एरिया है, इसमें कोई छोटा एरिया नहीं है। मैं कन्विंस भी नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ आप लोगों को एक चीज समझाना चाहता हूँ कि कॉमर्स को ही मैंने क्यों सेंटर पॉइंट पे रखा, क्यों रखा। देखिए आज सबसे बड़ी चीज, हाँ इसमें मैंने एक चीज जो है मिस कर दिया, गवर्नमेंट जॉब। ठीक, यहां मैं प्राइवेट जॉब दे देता हूं। ये कोर्सेज हैं जो आपको करने हैं, मतलब पढ़ाई आपकी, क्योंकि बिना पढ़े आपको नौकरी नहीं मिलने वाली, जो आपको सब लोग कोशिश करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है भाई कि अगर अर्निंग ही करनी है तो जॉब खैर वो तो एक बेसिक्स है। अब आप ये देखिए, कॉमर्स को मैंने बीच में रखा, बीटेक, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीएफए, यानी बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, अभी बताइए इनमें से ऐसी कौन सी फील्ड है जो पैसों के नहीं बनी है? कुछ ऐसा है जो पैसों नहीं बना? इवन आप जो स्कूल में जाते हैं पढ़ाई करने, तो वहां जो आपको टीचर पढ़ाता है, क्या वो फ्री में पढ़ाता है? हाँ, एक चीज और मेंशन कर लेता हूँ, टीचिंग, यहाँ एक और फील्ड निकाल लेता हूँ टीचिंग की। ठीक, आप क्या स्कूल में बिना फीस दिए पढ़ सकते हो? नहीं ना। तो हर एक जगह पर क्या आ गया, एक ही चीज तो आई ना, वो क्या है? वो है विटामिन एम, यानी मनी, पैसा, कमाई, अर्निंग। यानी मनी के पीछे हम सब भाग रहे हैं, यानी बेसिकली अर्निंग। और अर्निंग आजकल मनी की तरफ में स्लिप की जाती है। तो हम सब के सब किस चीज पे फोकस है? मनी अर्निंग पे ना। और हमारी अर्निंग आजकल मनी के बेस पे जाती है, यानी जितनी अर्निंग उतना ही अच्छा हमें देखा जाता है। तो वही मेन है कि आप कॉमर्स को परस्यू इसलिए कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ कॉमर्स के पीछे भागो, वही चीज मेन बात है कि हमारा इंटरेस्ट जिस तरफ होता है हम वही चीज परस्यू करते हैं। ठीक, ये एक्चुअली थ्री इडियट्स का एक वो भी है, लेसन भी है। मैं एक सर्कल बनाता हूं इसमें, इस सर्कल को आप देखिए ध्यान से। ठीक है, यानी अब इसको अगर मैं ये कहूं तो उसमें क्या था, बाबा रैंचो ने क्या बोला था आपको कि बेटा उस फील्ड के पीछे जाओ जिस फील्ड में तुम्हारा टैलेंट हो, टैलेंट के अपोजिट मत जाओ, वरना ना तुम कुछ कर पाओगे ना तुम्हें कभी खुश रह पाएगा। वो तो बात सही है, उसमें मैं फॉल्सिफाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन कॉमर्स इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कॉमर्स कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपकी अर्निंग से रिलेटेड है। वो इन सारी फील्ड्स को कनेक्ट करके चलता है। कॉमर्स में बहुत चीजें आती हैं, बिजनेस आता है, प्रोफेशन आता है, नौकरी तक आती है, क्योंकि इन सब में एक ही चीज प्राइम टारगेट रहती है, वो है अर्निंग, यानी मनी, पैसा। और मेन चीज है कि हम जानते हैं आजकल का हाल क्या है, बीटेक वालों का खासकर हाल क्या है, बहुत अच्छी तरीके से आप भी जानते होंगे, मैं भी जानता हूं कि बीटेक करने के बाद मैंने कुछ लोगों को देखा है कि मैं किसी फील्ड की बुराई नहीं कर रहा हूं, आप ये मत समझो, मतलब जो मेरे आज वीडियो देखेंगे शायद उन्हें बुरा लगे कि हमारी फील्ड की बुराई कर रहे हैं, मैं बुराई नहीं कर रहा हूं भाई, मैं एक फैक्ट बता रहा हूं कि आज कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को बीटेक या कहते ना बाकी फील्ड नहीं करवा रहे, उनका एक ही चीज है कि बच्चे को ऐसी जगह डालो, ऐसे कोर्स में डालो कि वो निकलते ही नौकरी पा जाए, यानी कमाना शुरू कर दे। हर पेरेंट की ये टेंशन होती है, और यही टेंशन स्टूडेंट के साथ भी होता है कि हाँ हमें वही चीज करनी चाहिए जिसमें हम टैलेंटेड हैं, प्लस जिसमें हमारे पैसा मिले। लोग शॉर्ट टर्म कोर्सेज कर लेते हैं, शॉर्ट टर्म कोर्सेज करके सोचते हैं शॉर्ट कट ले लिया आप उससे आराम से कमा सकते हैं। तो भैया कोई जरूरी नहीं है, क्या आज की दुनिया में कोई गारंटी है कि आप पढ़ के निकलो आपको नौकरी मिल जाए? मैं ये भी नहीं कहता कॉमर्स पढ़ते भी आपको मिल सकती है, लेकिन हाँ एक ही चीज कहता हूं कि जितने भी ये कोर्सेज हैं जो चल रहे हैं ये सब के सब एक ही चीज के पीछे भागते हैं, मतलब कॉमर्स ये वर्ड अपने में एक ऐसा सेंटर पॉइंट है जो कि हर इन सारी फील्ड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। इवन हाँ मैं अलग अलग प्रोफेशन की बात करूं, टीचर हो, सीए हो, डॉक्टर हो, लॉयर हो, ये सब के सब क्या करते हैं भाई? एक लॉयर आपके लिए केस लड़ता है तो क्या वो फ्री में लड़ता है? नहीं, आप उसको फीस देते हो, पैसे पे करते हो, तो वो क्या है? वो भी तो कॉमर्स है, आदान प्रदान ही तो हो रहा है। एक लॉयर आपको प्रोफेशनल सर्विस देता है, वो आपको भाई सबसेक्शन सबसेक्शन क्लॉजेस और जितने भी आईपीसी में धाराएं हैं उनसे आपको बचाता है, यानी अगर आप
इनोसेंट है तो आपको भाई क्राइम के अगेंस्ट जो आपके खिलाफ केस होता है उसे बचाता है, और उसके बदले से क्या लेता है, फीस लेता है, तो वो फीस क्या है, कॉमर्स ही तो है और क्या है। एक चीज याद रखें, हम सब के सब इस एनवायरमेंट में कॉमर्स के लिए ही जीते हैं, कॉमर्स के लिए जीते हैं, कॉमर्स के लिए ही मरते हैं। मीन्स बस किसी तरीके से पैसा आए, मतलब फेयर एंड फेयर नहीं, सिर्फ फेयर मीन्स से, यानी अच्छे तरीके से पैसा है। अनफेयर कमाने वाले खैर बहुत सारे हैं। तो मेन है ऑन दी होल सिर्फ इतना कहूंगा, एजुकेशनल ये कहना चाहता हूं कि कॉमर्स भी अपने में एक फील्ड है और काफी ब्रॉड फील्ड है। इस कॉमर्स के अंडर में ये सबके सब कवर हो जाते हैं, सबके सब कवर होते हैं। ऐसा कोई सीमित फील्ड बता दो कि जो इसके अंडर में कवर ना होता हो। सबके सब एक ही चीज पर फोकस है, क्या पैसा, पैसा कहां से आएगा, कितना आएगा, कैसे आएगा, पढ़ाई के बारे में नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, कहां से कमाएंगे। भाई जिनको नौकरी नहीं मिलती वो क्या करते हैं, या तो कोचिंग खोल लेते हैं अपने अपनी फील्ड की। हाँ सबसे बड़ी बात, कोचिंग में क्यों जाते हो तुम भाई, और कोचिंग क्यों जाता है कि भाई कमाने के लिए ना, पैसों की जरूरत सभी को है, और जहां पैसा है वहां कॉमर्स है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, फ्रेंकली स्पीकिंग, वेयर देयर इज मनी देयर इज कॉमर्स, इन लेमन सेंस एंड इन प्रिसाइज। इसीलिए मैं ये कहना चाहूंगा उन सभी एस्पायरिंग स्टूडेंट से जो कि 10+2 को निकाल चुके हैं और जिनको फील्ड सिलेक्शन करनी है, तो मैं कहूंगा भाई साहब या जो भी मेरे छोटे भाई बहन जो आने वाले हैं इस फील्ड में, आप कॉमर्स ले सकते हो बिना झिझक ले सकते हो, क्योंकि आपको अल्टीमेटली क्या करना है, इस पे फोकस करना है। रुको मैं इसको बना करके बताता हूं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। आपको सिर्फ और सिर्फ इस पर फोकस करना है, ठीक है, यानी ये आएगा तो आपके पास सब आएगा। आपके ही घर में आपने सुना होगा कि भाई जिसके जेब में पैसा है उसके पास सब कुछ है ना, तब का है का डर है, तब का है की टेंशन है, तब का है का कहते हैं दुविधा है, कंफ्यूजन है। गो फॉर इट मैन, गो फॉर दिस कॉमर्स। एंड और दूसरी चीज, कॉमर्स में आपका जॉब एंड नॉन जॉब एक्टिविटीज दोनों आती, यानी बिजनेस एक्टिविटीज भी आती। भाई बिजनेस मैन क्यों बिजनेस मैन बनता है, भाई कमाने के लिए ना, टाटा बेटा अंबानी ये सब के सब, अब मुझे नहीं पता कि क्वालिफिकेशन क्या है, लेकिन आप सबके सब क्या है, एक ही चीज की मुझे बात करें ना, अर्निंग मनी कॉमर्स। तो आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि वाई परस्यू कॉमर्स, कि कॉमर्स ही क्यों परस्यू करें। आप जान लो आपके घर में जितने भी फीमेल्स हैं, यानी जितने भी होम मेकर, यानी मदर है या सिस्टर है जो काम नहीं करती, मतलब बाहर जाके जॉब नहीं कर रही है या कमाती नहीं है, उन्हें पैसा कहां से होता है, आप ही तो देते हो ना, मतलब आपके फादर है वो देते हैं, प्लस अगर आप खुद भी कमाने वाले हो तो आप देते हो, ठीक है। तो घूम फिर करके हमारा ये चक्का है वो किसी के, और ये चक्के के बीचों की जो नेल लगी हुई है वो कॉमर्स की लगी हुई है, ठीक, और ये वो तीलियां हैं जो कि चक्के में दिखाई दे, इन तीलियों से एक ही चीज है, गाड़ी आगे तभी बढ़ेगी जब बीच में ये नेल जो है कॉमर्स की रहेगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी और बहुत अच्छे से आई होगी। तो मिलता हूं मेरे नेक्स्ट वीडियो में मेरे नेक्स्ट कंटेंट के साथ, तब तक के लिए इसको सीखिए, और अगर कोई डाउट हो इस एक्सप्रेशन के बाद भी तो मेरे वीडियो के लास्ट में आप इसको पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। आई विल वेटिंग फॉर योर कमेंट्स एंड फीडबैक ऑन माय वीडियोस। थैंक यू।